हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 11 क्या होता है। बेसिकली जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम अगर हमने ट्रेडमार्क को प्रॉपरली सर्च नहीं किया है कि वो किसी और के पास है या नहीं, ये जो ट्रेडमार्क हम लेना चाहते हैं वो किसी और के ट्रेडमार्क से मेल खाता है या नहीं खाता है, ये अगर आपने चेक नहीं किया है तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन आने का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रार जो है वो ये आपको बताना चाहता है कि आपको ये ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता क्योंकि ये नीचे जो दिए हुए, मतलब ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, एक रिपोर्ट आता है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का, उसके अंदर नीचे लिखा हुआ होता है कि ये ट्रेडमार्क है जिसकी वजह से हम आपको आपका अप्लाई किया हुआ ट्रेडमार्क नहीं दे सकते। अब उस चीज का डिटेल में जवाब देना पड़ता है। किसी को एक ट्रेडमार्क बताया जाता है कि ये एक ट्रेडमार्क की वजह से आपको नहीं दिया जा सकता, और किसी को 10-10 ट्रेडमार्क के भी रेफरेंस दिए जाते हैं कि ये 10 है इसीलिए आपको नहीं दिया जा सकता। तो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क किसी और के ट्रेडमार्क से मेल खाता है। अब उसका प्रॉपर डिटेल में जवाब देना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो जवाब देने में मिस्टेक हो गई तो आपने जो पैसे भरे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब वेस्ट हो जाएंगे और आपका प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके लिए ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिप्लाई जो है वो प्रॉपरली देना जरूरी है। अब इसको किस तरीके से आप दे सकते हो और मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन का हम आपके लिए रिप्लाई दें, तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपका एप्लीकेशन नंबर मुझे भेज दो, मैं वो चेक करूंगा। चेक करने के बाद आपके पास जो सबूत है, मतलब हमें ऐसा सबूत चाहिए कि आप सच में उस नाम को यूज कर रहे हो, वो सबूत हो सकता है आपका GST सर्टिफिकेट का कॉपी, आपका ट्रेड लाइसेंस का कॉपी, आपके इनवॉइस का कॉपी जो आप कस्टमर को देते हो, वो माल बेचते हुए, वो प्रोडक्ट बेचते हुए या वो सर्विस बेचते हुए, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देने, और साथ में आपको देना है एक अथॉरिटी लेटर। तो आप हमें आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, आपका जो ट्रेडमार्क रुका हुआ है, ऑब्जेक्टेड है अंडर सेक्शन 11, उसका जवाब देने में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है समीर और मैं आपसे मिलूंगा वापस से कल एक नया वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।